वेलकम बच्चों, आज इस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आपके लिए ट्रांसलेशन कुछ नए तरीके से बताया जाना है। जैसे कि पहला सेंटेंस आपके लिए दिया गया है कि मेरे मित्र का बेटा आँख का डॉक्टर है। मेरे मित्र का बेटा आँख का डॉक्टर है। तो आपको अगर ट्रांसलेशन बनाना है तो आप क्या करेंगे, बड़े से बड़े ट्रांसलेशन को आप चुटकियों में बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट में जाकर क्वेश्चन करेंगे कौन या क्या लगाकर, कौन से क्वेश्चन करेंगे। तो कौन डॉक्टर है, तो सबसे पहले आपको मिलेगा मेरे मित्र का बेटा। कौन डॉक्टर है, तो आपको आंसर मिलेगा मेरे मित्र का बेटा। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले अगर किसी भी सेंटेंस में आपको बीच में क्या मिल जाता है, कनेक्टर मिल जाता है। क्या मिल जाता है, कनेक्टर मिल जाता है। तो उस वर्ड को सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द सॉन ऑफ माई फ्रेंड, द सॉन ऑफ माई फ्रेंड, द सॉन ऑफ माई फ्रेंड। फिर क्या लिखेंगे, है, पीछे चले आते हैं, इज, उसके बाद क्या है, फिर यहां पर आपको मिल रहा है कनेक्टर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिख देंगे, क्या लिखेंगे, इज एन आई डॉक्टर, आई डॉक्टर। दूसरा है अंग्रेजी के महान कवि जॉन मिल्टन अंधे थे। दूसरा है अंग्रेजी के महान कवि जॉन मिल्टन अंधे थे। तो कौन अंधा था, कौन अंधा था, यहां पर क्वेश्चन कर लेंगे, कौन अंधा था, कौन अंधा था। तो अंग्रेजी के महान कवि कौन, जॉन मिल्टन। सबसे पहले आप चाहे तो इस तरह लिख सकते हैं कि जॉन मिल्टन को सबसे पहले लिख सकते हैं, फिर उसके बाद अंग्रेजी के महान कवि को लिखें, या फिर सबसे पहले अंग्रेजी के महान कवि, तो द क्या लिखेंगे, ग्रेट, द ग्रेट पोएट ऑफ द ग्रेट पोएट ऑफ इंग्लिश, ग्रेट पोएट ऑफ इंग्लिश जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन क्या अंधे थे, वाज ब्लाइंड। अंग्रेजी के महान कवि जॉन मिल्टन अंधे थे। तो क्या हो जाएगा, द ग्रेट पोएट ऑफ इंग्लिश जॉन मिल्टन वाज ब्लाइंड। यह नोट फटा हुआ है, यह नोट फटा हुआ है, तो दिस क्या फटा हुआ है, यह नोट, दिस नोट, दिस नोट अब है, इज, यहां पर क्या लिख दिए, फटा हुआ, तो टियर, टियर का सेकेंड फॉर्म टर्न, टर्न। अच्छा बच्चों, यहां पर क्या हुआ है, इज का इज के बाद में भी थर्ड का यूज हुआ है, मतलब ये जो सेंटेंस लिया गया है, ये जो सेंटेंस लिया गया है, ये आपका पैसिव वॉइस से लिया गया है। तो दिस नोट इज टॉर्न। फिर उसके बाल घुंघराले हैं, उसके बाल घुंघराले हैं, क्या हैं, तो उसके बाल लिखेंगे, हिज हेयर इज घुंघराले का क्या होगा, करली, क्या हो जाएगा, करली, हिज हेयर इज करली। तुम्हें दवाई लेनी चाहिए, तुम्हें दवाई लेनी चाहिए, तो यू किसे लेनी चाहिए, तुम्हें लेनी चाहिए, यू शुड, यू शुड टेक मेडिसिन, टेक मेडिसिन, यू शुड टेक मेडिसिन, तुम्हें दवाई लेनी चाहिए। तो बच्चों, इसे आप क्या करेंगे, अपने नोट्स में कॉपी कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।